पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखे जोरों से जोरों से. Keep it going guys, keep it going. इन्होंने आदत है कि जब तक हम स्टेज पे 10 मिनट तक तो तालियां सुनते हैं हमारे दिलीप साहब. सर कौन से रंग का नहीं पसंद करेंगे? साइज तो एक ही जैसे हैं. आप बताएं कौन सा सूट करता है. सर टीवी कोई भी खरीद तो रिमोट का साइज एक ही होता है. नहीं नहीं छोटे साइज के भी होते हैं. मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कहा था आपकी इज्जत अपने हाथ में. मैं चला सर. आप आइए, आप क्यों चल रहे हैं? आप ऑटो रिक्शा हैं सर. आपके सामने तो मैं टू व्हीलर भी नहीं हूँ. नहीं नहीं खड़े रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है. आपसे तो मैं आपका सुबह पर सबसे पहले मैं जरा सलाम दुआ कर लूँ. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो, हाय. इज अ लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ लेडीज वेलकम. चलेगा कौन सा नहीं. मैं जरा भाई का शुक्रिया अदा कर दूँ. सुबह सुबह मेरी नजर गलोई बहुत अच्छे आदमी है. मैंने आपको आदमी कहा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा. सर आप जो कह रहे सर, आपके साथ स्टेज शेयर करना यानी बहुत बड़ी बात है, कह के नहीं. आप खुद बड़े कलाकार हैं. आपने जो रेडियो के ऊपर जो आप लोग करते हैं, रेडियो बहुत मुश्किल काम है. हर आदमी कर भी नहीं सकता. रेडियो ठीक करना बहुत मुश्किल काम है. कई बार यकीन है देखो, कई बार लोग हमें कहते हैं यार आप रेडियो पे आते हैं तो रेडियो पर तो आप दिखाई नहीं देते. तो मैंने कम से कम रेडियो तो दिखाई देता है. अच्छी बात की आपने और सन्नाटा कर दिया. तो मैं चलूं सर? आप नहीं नहीं आप क्यों चल रहे हैं? आप क्यों चल रहे हैं? मुझे ये सवाल ये बता दिया, आप कौन हैं? आप तोप है, बंदूक है, टांगा है, रिक्शा है, रेड़ा है, कौन है? क्यों चल रहे हैं? अब आपके हाथ में आ गया हूँ, आप चला दीजिए. बने मेरे हाथ में जो है मेरी आंखों में आ गए, मेरी आंखों में आ गए. मैंने आपको दिल से भाई बोला है, आप मेरे भाई हैं. और थैंक यू सर. यू आर रियली योर आर्टिस्ट, यू नो एक आर्टिस्ट जो होता है रियली बिग एंड फॉर मिस्टर प्रिंस. थैंक यू वेरी मच सर प्रिंस. इनके लिए चंद अल्फाज में ये कहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए. आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए. हम होश में आने को थे, आप फिर से मुस्कुरा दिए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर उमर शरीफ गाइस प्लीज. क्या वो भाई क्या हुआ, क्या है वजह, मुझे बता दो क्या है. नहीं इसकी तब्दीली की वजह क्या है? क्या ये इलेक्शन हार चुका है तो आप इसको क्यों तब्दील कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट में तब्दीली आई है. इंडिया पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया. कश्मीर की पॉलिसी चेंज हो गई है. वीजा आजादा ना तो रुपये मिलेगा कि हम लोग एक दूसरे के देश में पकड़े तो नहीं जाएंगे. ऐसा कुछ होने लगा है क्या? अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट है तो उसके लिए मैं माइक दे सकता हूँ. भारत को बोले क्या बोलते हैं आप लोग, राइट? आपका क्या नाम है? रमेश. डर क्यों ना यार रमेश, कैसे हो तुम रमेश जी? इसमें अच्छा आवाज आता है, ये लता का माइक है. ये ठीक है मेरे लिए, नुसरत अली खान का ये ठीक है. बहुत रात राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की यहाँ और मुझे अपने सारी चीज़ें याद आ गई. क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपना मैं जब दौर याद करता हूँ आज से 35 साल पहले का, तो आप लोग सैड मत होएगा, खुदा के लिए मूड में रहिएगा. जो लोग आगे बैठे हैं यकीनी तौर पे ये खुसूसी मेहमान हैं, बहुत ही करीब होंगे या बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स दिए होंगे. इनके आगे बैठने में कोई ना कोई राज है या फिर ये ड्राइवर के जान पहचान वाले हैं. आगे बैठते ना उनका कुछ मसला होता है, तो घर से कह के आते मैं पीछे नहीं बैठूंगा, भी बोलना यहीं देखवा दो, पीछे नहीं बैठूंगा.
पीछे पहले दिन में पीछे बैठा था, लोग पीछे चमाटे मार रहे हैं, आगे बैठूंगा सबसे आगे, साफ दिखाई देता है, नजदीक बढ़ता है, दूर नहीं बैठूंगा, बस बिल्कुल नहीं दूर बैठ के जाओ, घर से चश्मे लेके जाओ, कभी ये लगाओ कभी वो लगाओ, बीवी को देखना हो ये वाला लगाओ, किसी और को देखना हो वो लगाओ, कितने चश्मे लगाऊ मैं, लड़की निकल जाती है किचन में। तो ये जो करीब लोग बैठे हुए हैं, मेरी खवातीन भी बैठी हुई हैं, और सबसे पहले मैं खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया में कायनात में सबसे इज्जत के काबिल अगर कोई चीज़ है तो वो औरत है, उसकी इज्जत करो हमेशा, उसकी आप इज्जत करेंगे तो आपको बहुत ही इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि एहतराम है। मैं खवातीन को कभी भी, मैंने आज तक मेरे जिंदगी में कभी औरतों के खिलाफ बात नहीं करी, ये मेरी परंपरा है, मैं कभी नहीं करता औरतों के खिलाफ बात, नो नेवर, मुझसे होती नहीं, कैसे करूं, सबसे ज्यादा काम इनसे पड़ता है। हाँ घर में देखो, बहन को कपड़े स्त्री कर दे, खाला को जरा ये कर दो, अम्मा जरा बोला दो, बीवी को ये, बेटी को वो, तो मतलब भाई इनसे काम पड़ता है ना, तो आदमी क्या इनके खिलाफ बात करे, क्यों करे, ये दुनिया की मजलूम तरीन चीज है ये औरतें, औरतों खड़ी हो जाओ, इस हॉल को आग लगा दो, औरतों को लोग इस तरह में भड़काते भी जा रही है, जिनको हिंदुस्तान में महिलाएं कहते हैं, हमारे यहां औरत कहते हैं, ये लफ्जों का हेर फेर है, होता वही आइटम है, लफ्जों की हेर फेर है, जैसे इंडिया में औरतें तलाक दे देती हैं, पाकिस्तान में ये काम भी मर्दों को करना पड़ता है, इतनी सहूलत ही नहीं हमारे पास, तो बंदा कहे चलो भाई तलाक खुद ही दे ले, अगर हमारे ये सिस्टम होता पाकिस्तान में तो बिलीव करें आप, हर दूसरे आदमी के हाथ में तलाक होती, अल्लाह का शुक्र है कि ये मर्दों के हाथ में, हिंदुस्तान में औरतें देती हैं तलाक और बहुत कम देती हैं, फिर भी जितने जितनी आबादी है उसके हिसाब से कम ही देती है, और तो मर्दों की इस दुनिया के अंदर एक और तीसरी जेंस भी आबाई है अमेरिका में, कौन है एक आदमी बताओ, ये जो होगा वो बोलेगा, हो जाए इफ समवन इज हियर सिटिंग इन द हॉल तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वी गॉट ही इज हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइन अस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो सैन फ्रांसिस्को में इनकी बड़ी अहमियत हो गई है, सैन फ्रांसिस्को में शो करने के लिए डॉक्टर्स का, तो मैंने बहुत ही डॉक्टर्स से भी मुझे बहुत शिकायत है, डॉक्टर्स को कहेंगे आपको बैठो प्लीज डोंट माइंड, डॉक्टर्स को बैठे, कोई है कोई डॉक्टर को हकीम, कोई मेडिकल स्टोर का मालिक, कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई बंदा है, कोई मरीज, यार इतना सहज या मैंने हॉल में देखा पहले, उसमें वो मरीज भी नहीं है, मरीजों का तो यह है कि देखिए ना डॉक्टर तो आपको पता है कि ऑपरेशन और ये और वो, मेरा अपना ऑपरेशन हुआ बाईपास का, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, तो बस तकवार अल्लाह किसी का ऑपरेशन बाईपास का ना हो, मेरा ऑपरेशन हुआ 18 घंटे बाद मुझे होश आया, हल्की हल्की डिम लाइट में काली सी नर्स खड़ी हुई, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसका तो जन्नत में कहीं जिक्र ही नहीं है, बोला मेरा काम हो गया, ये जन्नत नहीं है, मैं कहा सारी नहीं क्या बेकार गई, वो काली सी औरत माता के दांत, और मैं उसकी तरफ देखता, अचानक उसकी आवाज आई तो मुझे पता चला नहीं मैं लाहौर में हूं, उसकी आवाज आई अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गई है,
मरता उसको मार देते हैं, बिल दे के मार देते हैं, ऑपरेशन काम है वो गया, बिल देख के मर गया। क्योंकि ये तो दूसरे मुल्क हैं, सिविलाइज कंट्रीज है, जहां पर अमेरिका में इंग्लैंड के अंदर जानवर भी मर जाए तो वो लोग ताजे तीज ला सक लेते हैं। हमारे यहाँ पूरी की पूरे जहाज गिर जाए, ट्रेन गर्क हो जाए, हम लोग कहते हैं कि हुकूमत तहकीकात करेगी और देखेंगे कि लोग कैसे मरे बगैर इजाजत के। इसमें भी उनको परमिशन चाहिए। तो डॉक्टर का तो अलग ही हिसाब है। डॉक्टर ने कोई गया, बंदा गया, उसको बोलेगा आपका फुल बॉडी का एक्सरे होगा, फुल बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप अंदर जाके लेट जाए और कपड़े उतार, अरे वो हो ना एक्सरे, चला गया वो अंदर, डॉक्टर आया, वो आदमी लेटा हुआ, डॉक्टर साहब मैं कपड़े कहाँ रखूँ? डॉक्टर साहब की आवाज आई, जहाँ मेरे रखे वहीं रख दे। जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके समझ नहीं आती है कि बात क्या कर रहे हो, तो क्या बात होती है, कुछ समझ से बाहर है। इनकी शादी भी हो तो अजाब बन जाती है, ये तो घूंघट भी उठाते बीवी का तो बात वही करते जो इनका काम होता है, मुंह खोलिए लंबे लंबे सांस लेते और फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके बोले नेक्स्ट। ऑपरेशन करते हैं, अल्लाह माफ करे, मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को मशहूर डॉक्टर के नहीं जाना भाई, डॉक्टर के नहीं जाओ, वैसे ही एक्सीडेंट में मर जाओ, बड़े बड़े ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाओ, ट्रेन पे जाके लेट जाओ, आराम से मर जाओगे, वो आहिस्ता आहिस्ता मारते आते हैं। अब तो ऐसा हो गया जिसम में हाथ डाल के गुर्दा निकाल दे, चीजें चोरी कर रहे हैं आदमी के, पार्ट्स चोरी कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में ये हो रहा है। तो खवातीन के नाम भी जो है ना वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। एक यहाँ पर बीवी, जौजा, घरवाली, इंडिया में लुगाई, बहू, फल। एक हिंदुस्तान में बीवी को स्त्री भी कहते हैं। मैंने ड्रामा बनाया था तो मैंने उसको बताया कि इंडिया से मेहमान आए मेरे घर के अंदर, मेरी बेटी के दोस्त हैं और वो आकर के बोलते हैं कि अपने क्या नाम है, हम बॉम्बे से आए और आगे और उस वक्त हमारे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनके आने से पहले। मैं अपने नौकर से बोलता हूँ, हाँ वो क्या हुआ मेरा, मैं नौकर बना हुआ, मैं जरूरगा नौकर तो साहब कपड़ा स्त्री हुआ साहब के, बेगम साहब पूछती है। मैंने कहा नहीं वो स्त्री तो खराब हो गई है। बोले अच्छा फिर क्या करें, इतनी देर में मेहमान आ गए, मैं भी खड़ा हो गया, सारे साहब बाबू साहब कैसे हैं आप, ठीक है भाई, ये मेरी ये बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये फला। अच्छा आई बैठिए। तो उन्होंने बोला कैसा सफर गुजरा? बोले बहुत बुरा गुजरा, कस्टमर वालों ने सारी चीज़ें रख ली, बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्री बचा के लाए। हम बड़े खुश हुए, चलो यार जिसका प्रॉब्लम था वही ले आएंगे। तो दो मिनट के बाद मैंने गुप्ता जी को अलग ले गया जो उनके साथ आए थे। मैं कहा गुप्ता जी कृपा करके 5 मिनट के लिए अपनी स्त्री दे गया। बोले क्या कर रहे हैं आप, ये आपको ऊपर आप मेरा मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये आपको शर्म नहीं आती, आपकी क्या बात कर रहे हैं, मैं अपनी स्त्री आपको दे दूं? मैं कहा दे दो भाई, मैं अभी आपको 4-5 मिनट में वापस कर दूंगा। आप क्या कह रहे हैं 4-5 मिनट में वापस कर देंगे? मैंने कहा हाँ हमारे यहाँ तो ये आम है। बोला आप अपनी स्त्री किसी को भी दे देते हैं? मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो लोग ले जाते हैं, एक हफ्ते के बाद वापस करते हैं। बोले स्त्री? मैंने कहा हाँ स्त्री। बोले आपकी स्त्री को क्या हुआ? मैंने कहा वो पिछले दिनों पिलक लगाया, गर्म हो गया, उसने कपड़ा पकड़ लिया, वो जल गई। बोले जल गई स्त्री? मैंने कहा हाँ जी। बोले यार मैं तो नहीं दूंगा अपनी स्त्री, हमारे ये रिवाज नहीं है, ये बाप है। देखो ये बाप तो है आपकी नजर में होगा बाप, हमारे यहाँ तो ये बाप नहीं है, हमारे यहाँ तो दुकानों पे किस्तों पे मिलती है स्त्री, दुकानों पे स्त्री है किस्तों पे। मैंने कहा आज जुमा है दुकानें बंद है, आप इतना गरूर नहीं करो गुप्ता जी, आप मेरे को बेचो कितने की, मैं कैश ले लेता। आप मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, आप विश्वास करें हम इस टाइप के लोग नहीं है।
मेरे साथ की बात नहीं करें आप, मैं स्त्री हूँ। और झगड़ा पड़ गया, पता चला वो बोलने के भाई हम स्त्री जो है ना बीवी को कहते हैं। तो मैंने ड्रामे में फिर ये मैसेज लाइन दिया था कि दूर रहने से ये हुआ कि हम एक दूसरों के अल्फाज भी भूल गए। मुझे क्या चार पांच अल्फाज याद करने में क्या मेरा जाएगा, या थोड़े से अल्फाज याद आप कर ले तो आप क्या क्या जाएगा, लेकिन दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना हों। तो मैं एक दूसरे को नहीं नहीं वो ठीक है बस। असल में ये सिलसिला होता है, बहुत से प्रोग्राम में लोग पर्चियाँ भेजते रहते हैं, ये बात करते हैं, ये बात कर लेते, मेरे को एतराज भी। मैं ये भी कर दूंगा भाई, जो भी तुम हो जहाँ भी हो सुन लो, कहाँ हो? अच्छा इधर कोई महिला बैठी है जो इधर से बच्चे छोड़ रही है, ये बच्चा छोड़ा किसने यहाँ से? और ये अभी शुगर है, छोटे वाले नहीं लाई है, वो घर में रख के आई होंगी, घर में बंद करके आती है, अभी इसको बहुत समझा के लाई होगी बच्चे को, खबरदार माँ मुझे मम्मी कहा था, खबरदार मम्मी कहा था, खुफिया लाते मारो, खबरदार मम्मी कहा था, पता है तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बू को किस तरह गैस वाले चूल्हे पे बिठाया था? मैं बच्चा डर गया, ये डरा हुआ बच्चा भागा है, ये माँ से डर के भागा, क्यों भागा? अभी मैं आपको पंच लाइन सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा बच्चा भागा क्यों है, क्योंकि माँ समझा के लाती है, खबरदार मुझे मम्मी का खबरदार। वो बच्चा मम्मी नहीं कह रहा, अब यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में पीछे पीछे फिर है बाजी 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 आइसक्रीम खा लू बाजी, कोक ले लू। अब आ गया उसकी तरह दिखे भागे बच्चा, बाजी मामू आ गया। जी इन्होंने हशर करा भाई, बच्चा जो भागा बेचारा, मैं औरतों की बुराई नहीं करा रहा, मेरी नेचर है, मैं कभी खवातीन के बारे में गलत बात करता ही, आप भी जानते हैं इस बात को, जिंदगी में कभी दो काम नहीं किए, एक झूठी बोला एक किसी औरत के खिलाफ नहीं बोला। और तो खराब क्यों बोलूं मैं, क्यों? वजह यह है कि कुदरत इनसे प्यार करती है, मर्दों से अल्लाह ताला ने इतना प्यार नहीं किया, खवातीन को तवील उम्र अता फरमाते हैं, मरती नहीं है ये। मेरा वो खुदा ना करता इरादा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ मर जाए, या मैं कहूंगा भी तो आप कौन सी मर जाओगी, आप कौन सी मेरे को इतना पसंद करती हो, बोले नहीं नहीं ना बोले इतना मर जाते हैं, ऐसा कैसे होगा? नहीं मरती औरतें, नहीं मरती है, मुंह पे इतना इतना पाउडर डब्बा, इतना इतनी चीजें, कितनी लिपस्टिक, कितने एक नए किस्म के होंठ आएंगे आजकल चलेंगे वाले पलटे हुए होंठ, पलटे हुए होंठ, सर्जरिया आंख इधर लगवा ली, कुछ दिनों के बाद कोई आदमी को इधर कान लगा ले, तो यार तुम्हें यहाँ कान क्यों लगा ले यार, इधर खुजाने में देर लगती थी, इधर से इधर खुजा ले। ये क्या काम हो रहा भाई, यानी अल्लाह ने ऊपर वाले ने जो हमारी शक्लें बनाई हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम उससे मुतमईन नहीं है, अल्लाह माफ करे कि हम खुद अपनी चीज खुद सेट करवा लें, लेकिन अल्लाह ने जहां जहां जो चीज लगाई है वही की है, अब हम उसको बदलवा रहे हैं, होट उसने मैंने जैसे बनाए ऐसे तब मैं यूं करवा लूं, एंजेलिना वाले क्या होंठ है ये पलटे हुए होंठ, फिश फैस हो जाता है गांधी का। मुझे जो है ना जिंदगी में खवातीन से कोई और शिकायत नहीं है अपने मुल्क की, हमारे मुल्क की औरतें दूसरों के फैशन मल्क मुझे पकड़ती, कुछ हो जाए ये वैसा ही सब कुछ कर लेंगी, और मर्दों से भी ये डिमांड करती हैं हमारी औरतें, सलमान खान जैसी बॉडी बनाओ ना, कैसे बनाए महंगाई में, सलमान ने तो बना ली पता नहीं किस तरह बना ली उसने भी, हालांकि इंडिया में भी काफी महंगाई है, फिर भी बना ली उसने बच्चे ने, चलो अल्लाह उसको उसकी बॉडी है क्या, औरतें हम अपने घर के मर्दों से सलमान ने उसकी बॉडी बनाओ, सलमान को भी कोई समझा नहीं रहा है कि भाई कमीज पहन ले
लोगों के घरों में झगड़े हो गए हैं। बीवियां अपने मियाँ को कहती है, ये क्या तुम्हारा एक्सरे जैसा बदन है? आदमी फैशन कितना पकड़ेंगे आप लोग यार? तो फैशन कितना हो गया है, कितना फैशन हो गया? कराची में फैशन शो हुआ, एक फैशन शो हुआ, एक लड़की ने महंगाई के खिलाफ मुख्तसर कपड़े पहन के एहतजाज किया। लोगों ने उसके एहतजाज को बहुत पसंद किया और उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। लोग फिर खराज अकीदत भी तो पेश करते हैं ना, यार इसने एहतजाज अच्छा किया। तो खबरें जो है ना वो इसी तरह बनती है। फैशन जो है वो बहुत बीमारी बन चुका है, हर किस्म का फैशन आ गया। अब वो पहले तो कुछ भी नहीं था, जो अब हो गया है, अब तो ऑर्डर पे तैयार होती है हर चीज। पहले होता था घर में उपटन लग रहा है, मेहंदी लग रही है, ये छेड़ रही है सहेलियां, अब वो सब गया, अब खत्म। अब तो दूल्हा भी तैयार होने जाता है, जनाजे तक जाते हैं भाई, बिलीव करें आप मर के देख लें जनाजे के मरूम जरा अच्छे किरदार के नहीं थे, थोड़ा सा नूरानी चेहरा बना दे, जरा दिखाना है पार्टी। जनाजों पे बहस लगी हुई है। आप मामू कहां मरे थे? कराची, लोकल डेड बॉडी। हमारे मामू तो कनाडा में मरे हैं, डेड बॉडी कनाडा से आई ना, हम लोग सब रिसीव करने की इतना एंजॉय किया ना। तो हम लोगों ने कॉफी ली, पॉपकॉर्न लिए, आफ्टर ऑल डेड बॉडी आ रही थी, कुछ तो टाइम किल करना था ना, तो इतना एंजॉय किया हम लोगों ने डेड बॉडीज का। ये वो लोग हैं जो रोते भी इंग्लिश में हैं। हमारे यहाँ तो दूसरा रोना होता है ना कि औरतें जनाजे को पकड़ लेती हैं शौहर के, कहाँ जा रहे हो? अच्छा भला पता है कहाँ जा रहे हो? फिर पूछने कहाँ जा रहे हो शपन के बाबू? अच्छा भला पता है कहाँ जा रहे हो? इतनी तेज होती है ये औरतें, माजरत के साथ में उन औरतों का जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। इतनी तेज औरतें होती है, तो बात करो अल्लाह माफ़, मैं उन औरतों का जिक्र नहीं। भाई खातुन मर गए, उनके शक इनकी फितरत की ना, अल्लाह कोई इनका शक नहीं निकाल सकता। आप बिजली के खंभे को देख रहे हो, ये कहीं चक्कर चला तुम्हारे से? खंभे से क्या चक्कर चलेगा यार, खंभे से तो कोई काम भी नहीं पड़ता हमें, खंभे का चक्कर बता देंगे। कहीं भी देख रहे हो एक आदमी अपनी बीवी के साथ स्टॉप पे खड़ा हो, उसकी बीवी ने कहा देखो लाल शेख वाला मुझे देख रहा है, उसे पकड़ो ना, जाओ ना। शोरदार चुप करो, उसकी जान देखो, उसकी जान देखो कितनी जान, चुप करो। फिर देखे ना मुझे देख रहा है, शोरदार चुप कर जाओ, मैं भी तो उसकी बीवी को देख रहा हूँ। फिर कह जाए ना, बात कर ना, मुझे देख ही जाए। आदमी क्या भाई, तुम अब मेरी वाइफ को क्यों देख रहे हो? पता चला बेचारा नाबीना है। औरतों को ये भी प्रॉब्लम है कि कोई ना देखे, कोई तैयार औरत घर से निकले अपना पूरा सेटअप करके और आप उसे ना देखे और उसको कहीं खुफिया माइक लगा दे तो उसकी बुड़बुड़ाहट सुने आप, अब वो जा रही है, अब उसका दहन इधर गिरेगा, एक उधर गिरेगा, एक मां गिरेगा, यहाँ बेहोश होगा, एक बस के नीचे आएगा, एक बैल के नीचे आएगा, उनका जहन ये है तैयार होने के लिए। अब कुछ नहीं हो रहा तो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाएगी, कमबख्त मालूम मनुष्य। मेरे टाइम पे तुम कैसे शरीफ बन गए, देख भी नहीं रहे, अंधे, अब कभी तैयार होकर नहीं निकलोगे, अब मुंह धो के निकलूंगी, इनका खौफ इनके दिल डरा दूंगी, ये इनका गुस्सा हो जाता है, ये गुस्सा हो जाती है, तो औरतों में से शक नहीं निकल सकता। शौहर मर गए, दफना के आ गए दोस्त, वापस आए दोस्त, जैसे दोस्त होते हैं, आकर के दोस्तों ने कहा भाभी बहुत अफसोस हुआ, भाभी आज वो चला गया। वो चुप रही,
फिर दोस्तों ने कहा भाभी याद है जब आपकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी कितना गिफ्ट लाए थे चुप भाभी याद है जब पहली बारात लेके पहुंचे तो जब आपको गाड़ी में बिठा रहा था उसने आपके पैर के नीचे हाथ रखा फिर भाभी चुप इतनी देर तक करते रहे बातें वो रोई नहीं आखिर एक दोस्त चल गया क्या बात है भाभी आज उसका कब्र में पहला दिन है और आप इतनी मुतमईन है बोली आज ही तो मुझे पक्का पता है कि वो कहाँ है ये मैं शक है और तो मैं शक को नहीं निकाल सकता कोई पैदा नहीं हुआ माई कला कोई माई कला पैदा नहीं हुआ कि और तो मैं शक निकाल दू क्या भेजा था लव लेटर लव लेटर क्या था लव लेटर अच्छा ये है ओके देखिए दुबई अमेरिका इंग्लैंड सब लोग जाते हैं और हम लोग अभी बता रहे थे एयरलाइन में आना पड़ता है प्रॉब्लम क्या है हम भी जाहिर है मैं अपनी पाकिस्तान की एयरलाइन को पहले डिस्कस करता हूँ बाद में दूसरी एयरलाइंस को करता हूँ हमारी एयरलाइन क्योंकि इस्लामिक कंट्री है इसलिए कुछ पीने को नहीं मिलता है जहाज में लेकिन जहाज पे लिखा हुआ है पी आइए इसलिए लोग पी पी के जाते हैं तो उधम मचाते हैं ये जो आजकल अनाउंसमेंट से घेरते हैं पैसेंजर्स को रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है सारी एयरलाइन जो इनको डिले हो रही है लेट हो गई कैंसिल है तो अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि आपको दिल करेगा कि यार उनको अनाउंसमेंट होती है रावण की खेले तैयार है मुसाफिरों से दरखास्त है जहाज पे आ जाए जो छोड़ने आया होता वो भी बैठ जाए तो नहीं यार कुछ है अंदर आज अंदर कुछ है वो मसला है अंदर तो इस तरह बुलाया ना तो बात है अपने दोस्तों के दावे आ गया था जनाब खुदा के हम तो मेरे लिख ले तेरी जान की कसम कोई बात है आज और अंदर जाओ तो पीने को कुछ नहीं इससे अच्छी पाकिस्तान में बसें चलती हैं लाहौर से इस्लामाबाद डेवो तो हमारे पंजाब हाँ लाहौर लाहौर है लाहौर लाहौर है लाहौर ये लग रहा है मेरे बंदा लाहौर लाहौर है अल्लाह की कसम ड्रामा बनाया सी लाहौर लाहौर है लाहौर जैसे लोग दुनिया के पंजाब का एक अपना स्टाइल है ये लाहौर के आदमी है मैं लाहौर में ही रहता हूँ लाहौर का अपना स्टाइल है लाहौर ये तो जनाजे पे जाए तो मुर्दा उठ जाता है मर गया उठ के बहना नहीं पाया गलत इतना खुदा की कसम लाहौर की बात कर रहा था मेरे दोस्त ने बीच में कमाल लगा के मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो ये जो इससे अच्छी डेवो बसें हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद चलती है मुल्तान चलती है उनमें फिर भी कुछ पीने को मिल जाता है शेखुपुरा क्रॉस करो तो अनाउंसमेंट हो जाती है जिस जिस बंदे ने चर्च पीनी है छत्ते चला जाए फिर भी को फैसिलिटी दे रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात अल्लाह का एहसान है कि फैसिलिटी मिल रही है लेकिन पी आई है यानी खुद पी आई है हम संभाल लेंगे आप पी आई है कुछ दिनों के बाद लिखा होगा खा पी आई है कुछ दिनों के बाद लिखा होगा जहाज में सीट नहीं पीछे भाग आई है कुछ दिनों के बाद आप जहाँ तो घुसेंगे पकड़ी लगी हुई चावल रखोगे चूड़ा रखा होगा खुद पकाइए खुद खाइए दिस इज पी आई है फिर वो पानी मांगेगा जहाज रुकेगा गणम हवा देगी जहाज रुकेगा पानी पी के आ जाइए पी आई है इसकी हमने मतलब मेरी मुल्क की एयरलाइन है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ
कि पीआईए में एक क्वालिटी है कि मैं अभी अमेरिका गया था, अमेरिका में अल्लाह माफ करे जो एयरलाइन डोमेस्टिक एयरलाइन है वो तो कुछ खाने पीने को देती नहीं है, पानी भी खरीदो खाना भी खरीदो और जिससे बात करो उसे पैसे भी दो एयरहोस्टेस को, कोई तरह से बताओ एक्सक्यूज मी टैन डाला किस कदर कमर्शियल लोग हैं अमेरिका। लेकिन हमारा तो देखा ना डोमेस्टिक, दो घंटे की फ्लाइट है पीआईए की कराची दुबई, पूरा डिनर सर्व करते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारी लड़कियां भाग भाग के काम कर रही होती है, इसमें तो हमें ताली बजानी चाहिए एयरलाइन के लिए। वो चाय बिचारी लड़कियां नहीं है लेकिन भाग तो रही होती ना जिस तरह उनसे भागा जा रहा है, जैसे भी चल रही चल तो रही है ना, बड़ी उम्र हो गई ना, बड़ी बड़ी उम्र हो चुकी, लोग मुझसे शिकायतें करती है आप तो प्रोग्राम करते ना आप हमारे बारे में बड़ी गलत बातें करते हैं, हमारे बारे में बात करें ना, अब देखिए ना मुझे ग्राउंड कर दिया। मैं कहा उनकी मेहरबानी ग्राउंड कर दिया, हालांकि आपकी उम्र अंडर ग्राउंड की है। जाएंगे मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कुछ बातों की अच्छी है, प्यारी बहुत प्यारी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये तो मैंने आपसे कहा बात करने के पैसे नहीं लेते, दूसरी एयरलाइन में ब्रिटिश एयरवेज ठकाठक पीने को देते हैं, हमारे ज्यादा लोग जो इस तरह के हैं वो उसी में सफर करते हैं क्योंकि अभी जहाज आगे खड़ा होता है। अच्छा खुदा हाफिज। ऐसा लग रहा है दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ दिया रिटायरमेंट। आज क्या कर रहा था मैं कि ब्रिटिश एयरवेज में ना सब कुछ पीने को मिलता है, अभी जहाज सीधा नहीं होता ट्रॉली आ जाती है, हमारे लोगों को शराब का नाम नहीं पता, रंग बता दे काले वाले लाल दे लाल थोड़ी काले वाले थोड़ी करेगा क्या कर रहे हैं थोड़ी लाल दे काले अबे हमें काहे के लिए तू देख रहे, गौर से क्या देख रहे, हम समझ बोल सुनने वाले लोग हैं भाई, डाल दे डाल दे अल्लाह का नाम लेकर डाल दे। अब शराब लगा दी है, अभी जहाज सीधा नहीं हुआ मुसाफिर टेढ़े हो। कॉकपिट में चले गए, मैं जहाज चलाऊंगा नहीं होता कहना डोंट एक्ट डोंट नहीं मैं चलाऊंगा, आई कैन फ्लाई आई कैन डू दैट वेरी इजी। चंदे की पर्चियां आ रही है। अच्छा भैया ये सारा मेरे पास जमा हो रहा है, जो भी मुहात में इंशाल्लाह करता जाऊंगा भाई, जितनी पर्ची आएंगी मैंने आपसे वादा मैं उतनी देर खड़ा रहूंगा यहाँ पे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा क्योंकि इतनी अच्छी ऑडियंस बहुत कम मिलती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑडियंस का खिताब दे रहा हूँ कि आप यू आर बेस्ट, आप लोगों को पता है कैसे रिएक्ट करना क्या रिस्पॉन्स करना, यानी ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ शो ही देखते रहे सारी जिंदगी और आपने कोई ढंग का काम नहीं किया। शोबाज लोग हैं आप, शोबाज। मतलब इसके अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग से मेरे से मगर किसी को यहाँ बुजुर्ग भी नहीं कह सकते। अब ये सामने अंकल बैठे मैं इनको अंकल कहूँ बुरा मान जाएंगे, हालांकि ये प्रॉपर अंकल है, प्रॉपर अंकल अगर मैं कह नहीं सकता और मैं कह दूंगा इनकी वाइफ माइंड कर देंगे अपने ख्याल में अंकल के साथ रह रही तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इनसे इतना पूछ लो आपकी उम्र कितनी है, आप कब पैदा हुई थी, I was born when I don't know because somebody told me about that incident I was born. Yes, this is
confirmed, you know. I was born. Exactly, I don't know when, but I was born. मैं पैदा हुई थी, हाँ हो गई थी, छोटी सी थी मैं एक साल की पैदा हुई थी, एक साल की पैदा हुई थी, एक साल का कोई पैदा होता है? बहुत ऐसी बातें करती हूँ पैदा हुई, ये उम्र छुपाती है, अल्लाह माफ करे, उम्र छुपाने के चक्कर में घर में जाओ, ये बड़े वाले बच्चे छुपा देते हैं। तो बात हो रही थी कि क्या है पीना, कितना पिया, इतना पीते डगा जहाज टेढ़े सीधे हो गए, लेकिन मुसलमान तो मुसलमान ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हमारा जिंदा है, जमीर जिंदा है, खाना आता है खड़े हो जाते हैं। Excuse me, I'm Muslim and I need halal food. बात हो रही थी वहां पर हमारी फैशन, बात चल रही थी फैशन की और हमारी बात चल रही थी अलायंस की और हमारी बात चल रही थी खवातीन की, अल्लाह ताला खवातीन की लंबी उम्र करे, इनकी तो बहुत ही लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी, इतनी पता नहीं क्या है, मौत के फरिश्ते के हाथ में नहीं आती है, लोग इतनी पुताई करती है ये, वो बड़े वाले पुरुष तो जिनसे दरवाजों पर वर्निश होता है, उतना जम जाता है कि मौत के फरिश्ते आते हैं टॉर्च करके, नहीं नहीं ये कोई और है। फरिश्तों ने इन औरतों के मोहल्ले में मकान किराए पे ले लिए, फोटो दिखा दिया है, ये औरत देखिए भाई रात को दिखाई देती है, दिन में दिखाई नहीं देती। तो खवातीन खुदा ना खास्ता ना करे मेरी बात को बिल्कुल बुरा ना समझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि औरतों के दम से दुनिया में रौनक है, औरत नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी है, औरत नहीं तो कुछ भी नहीं, यकीन करें ना झगड़ा है ना फिसाद है, औरतें टेंशन क्रिएटर, इनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है, ये आपने ध्यान में रखिएगा प्लीज, आप मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो नहीं आई है, इनको ना आने की सजा मिलने चाहिए, जो नहीं आए वो उनको आना चाहिए था। मोहब्बत औरत की फितरत है, मुकर जाना उसकी आदत है, बेवफाई उसकी मजबूरी है, अक्सर देखे ना शादी के वक्त रुखसती वक्त शादी किसी मोहब्बत किसी और से और शादी के तंबू में विचार, ये लड़की जो होती है ना शर्मीले, 20-20 साल मोहब्बत कर रहे हैं कह नहीं गया, अबे कह दे छिछोरे छिछोरे कह नहीं रहा, वही मोहल्ले में बाल्टियां लगा रहा देखे जा रहा उसे, पानी के नलके पर खड़ा हुआ, आज हाजरा को देखा यार पाकीदा चेहरा हो गया, अभी तो माँ बना ले उसे पाकीदा चेहरा हो गया, कह नहीं रहा आखिरकार उसी लड़की की शादी के तंबू में कुर्सियां लगा रहा और रो रहा है, लड़कियां भी मोहब्बत करी जाते वक्त सहेली से कान में कह दिया, लतीफ से कहना मैं मजबूर थी, लतीफ से कहना मैं मजबूर थी, इस बात में सारे तोहफे गए, सारे खत गए, सारे रिक्शे सिनेमा सारे तफरियां सब कुछ गई एक लम्हे में, लतीफ से कहना मैं मजबूर लतीफ से, और लतीफ वहां खड़ा हुआ उसका सांस ऐसा चल रहा जैसे कोई इंजन चल रहा, ये मजबूरी है, इश्क में इश्क मजबूर है, बोले यस और नॉट, आपने किसी ने प्यार किया बहुत बुरी बात है, किसी की माँ बहनों से प्यार करते हो कितनी बुरी बात है, आप कितने फखर से बता रहे हैं प्यार किया यार क्या, और बोलो प्यार बुरी बात नहीं है, प्यार करना चाहिए, प्यार हो जाता है, प्यार किसने किया मुगल आजम देखे आप,
मुगले आदम देखे बरात के लिए प्यार किया सलीम भाई से। सलीम भाई से सलीम में सलीम भाई बीच में थोड़े से कमीने थे, कमीने थे। मादरत के साथ तारीख में गलती कर रहा हूं, मादरत चाहता हूं। अकबर जहनी तौर पे खुद अनारकली में ख्वार था, ख्वार था। मैं नहीं कह रहा, फिल्म बता रही है, फिल्म देखो उसका मुजस्मा बना के जी हसीन शक्ल अनारकली कर रहा है वो नहीं कर रहा। फौजी की बात, फौजी की बात, अपने लड़के की उसे शादी नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसको पता है कि मेरा अपना भी चक्कर है, उसको अंदर से सारा पता है। अनारकली को जिंदा दीवार में तुम चुनवा दिया, वो दीवार में गई तो खुदा भला करे उस ठेकेदार का, ठेकेदार का वो भी अनारकली के चक्कर में पड़ गया। उसे दीवार बनवाई, उसे दीवार सिर्फ आगे से उठाई, पीछे से पीछे मैदान खुला। अनारकली निकल गई लाहौर की तरफ, लाहौर की तरफ, वही उसका अनारकली बाजार बना, वही उसकी कबारे भी जारी। सलीम बाद में टून हो गए, फिर तरह पूरी रियासत में और रियासत का बेड़ा खड़ा करके रख दिया। अकबर भाई अपनी जिद पर आ गए, उनका भी मसला था अंदर से, वो भी सेट थे। आशिकों के साथ हुआ ही बुरा है, प्यार करने वालों मुझे लगता है इसके घर में भी कोई दुख है। ऐसे भी बोलता आदमी, कोई ना कोई वाक्य होता उसके पीछे। सच सच बता दो कौन था वो, कौन थी वो, था कौन था वो, हकीकत है ये सैन फ्रांसिस। अब यहाँ यहाँ पर किससे रहूंगा, आपसे पूछूंगा मैंने कहाँ छोड़ा था सैन फ्रांसिस को, बात करता हूँ मैं अमेरिका गया, मैं आपसे पूछूंगा याद रखिएगा मैंने छोड़ा कहाँ था। मैं अमेरिका गया, अमेरिका जाना अब मतलब एशियन कंट्री के लिए काफी दिक्कत वाला काम है, ऐसे नहीं जा सकते आप कि यहाँ पर जहाज भी अच्छे गए, नहीं। अब तलाशियां हर जगह पे तलाशियां, यानी अब कुछ दिनों के बाद अमेरिकन कहने वाले हैं आप लोग आपस में एक दूसरे की तलाशी ले ताकि आप मुतमईन हो जाए। ये होने वाला है, दो जगह जहाज उठता है बीच में, अमेरिका का लंबी फ्लाइट है, दो जगह तलाशी होती है, जहाज उतरते हैं उनकी तलाशी होती है। इमिग्रेशन पे तो अल्लाह ही रहमत करता है, और फिर ऊपर से काले अगर खड़े हों मोटे होंठ वाले, मोटे होंठ वाले, दो कालों के होंठ पका लो, चार आदमी पेट भर के खा लो। ऊपर से आवाज इतनी खौफनाक है, मैं बेल्ट में से अपना सामान उठा रहा था, उसका भी सूट के सेम था, उठाया कहता जानी देख लगी मैं क्या हुआ ठीक है यूं ही हो गया, मैं क्या चाहिए ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, उसका हाथ इतना बड़ा जितना बड़ा मेरा घुटना है, इतना बड़ा उसका हाथ। तो अमेरिका गए, अमेरिका जाओ तो जब तैयारा उतरता है तो वो अपने जहीन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि वो लोग आ रहे हैं तुम भी आ जाओ। इमिग्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को ये होता है कि कुछ सवाल होंगे, अब मेरे चेहरे को देखेगा, आवाज से एक्सप्रेशन से नजर आएगा, एक आदमी पहली मरतबा अमेरिका गया है फर्स्ट टाइम, उसको ये भी पता बहुत सख्ती है, सवाल याद करता हुआ जा रहा है। My father name is Alauddin. Mother name is Suraya Bani. Suraya Bani. My brother Zahiruddin, Kamaluddin, Zahiruddin, Zahiruddin. एकदम काउंटर आ गया चाले को, पहले तो सलाम कर दिया, उसको ख्याल आ गया उसको तो सलाम का पता नहीं, चाले दोपहर का टाइम था, गुड नाइट कह दिया उसने, बहुत घबराहट हुई उससे, फिर उससे पूछा अब पीछे वाले की दर्द है, अब पीछे वाला भी डरा हुआ है, जरा आगे देख भी आगे देख,
मैं तेरा जानने वाला नहीं हूँ, ये अमेरिका नहीं है भैया, ये कबर है, या सब अपना हिसाब खुद देते हैं। तेरी मेरी जान पहचान तो जहाज में हुई थी ना, बताना मुझे क्या पूछ रही है वो, मेरी तरफ क्या देख रही है, मरवाएगा मुझे। Excuse me, my perfect plate. Me? Where is your passport? Passport? Passport, bolo na? अंग्रेजी आ नहीं रही है, इसको बोलनी सही यार। और इसको मेन जगह पे बिठाया हुआ यार, अभी उतना ही मेरे जेन पे क्या असर पड़ेगा, इसको पास को रट के ना चाहिए, वो गलत बोल रहे हो, ठीक है पूछ के नहीं रखते ना करके दे दिया बात तो देखो शिक्षक शर्म हम डे यू वांट टू स्टे ओवर हियर आप देख रहे हो ना फिर वही कर रहे हो ये वाशिंगटन कितनी दूर है यहाँ से, वाशिंगटन कितनी दूर है, तो शॉर्टकट में बताओ मैं जरा बात करूँ छी जाएंगे वहाँ। Excuse me, listen to me, be careful now. How many days you want to stay over here? My father. Your father? I'm talking about you. अबे इसकी ट्यूशन क्यों नहीं लगवा देते लोग? वो पोटा आ गया वो, आखिर उसने कहा ओए कितने दिन रहेगा तू इत्थे? तुम्हारे नाल गल कर करके मैनू पंजाबी आ गई, तुसी अंग्रेजी नहीं सीखी? पाकिस्तानी को पाकिस्तानी भी अजीब किस्म का मिलता है, ड्राइवर भी पाकिस्तानी, पसीने भी पाकिस्तानी, पूरा न्यूयॉर्क घूम रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क उतरो उतरते के साथ ही मेरा पेट खराब हो गया, क्योंकि इतना साफ पानी पीने को मिल ही नहीं रहा था, बहुत अरसे मास्क पिया पेट खराब हो गया। अजी खड़े होकर बोलो ना, क्या हुआ? टांगे जान नहीं पकड़ रही? ये मेरे बड़े प्यारे कर्म, ये मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो अंधेरे में बैठे होते हैं, अंधेरे में उसकी वजह होती है, और मैं इनको बुलाऊंगा, लाख बुलाऊंगा, ये नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा क्राउड दुबई का होता है ना, शायद मेरा ख्याल है मैंने इतना अच्छा क्राउड नहीं कभी देखा है, बहुत सारे शहर हैं लेकिन दुबई किसी ना किसी दिन हमारी भाभी थी लैला मजनू, मजनू को पत्थर मारे लैला उस वक्त भी फुल ड्रेस में फिरती थी, फुल मेकअप में और वो बेचारा सबर करता फिरता था। मजनू भाई पागल कर दिया इन औरतों ने आदमियों को, अच्छा बड़ा साइंसदान था मजनू, साइंसदान इश्क इजाद किया उसने, इश्क का मौजूद था वो राजा, हीर ने पागल किया, अच्छा वाले जमींदारों का बच्चा था, जाके गायें धुला रहे वहां पे, भैंसे नहला रहे वहां पे, दुम्बे नहला रहे उनके घर के, वो क्या कर रही है उसके सिरे में शाम को थोड़ी सी चूरी बना के लाके उसको डाल दी, पता नहीं उसको तोता समझती थी, उसको चूरी दी और उससे चार गाने सुन लिए, म्यूजिशियन था वो, उसको एक म्यूजिक वाला बना दिया रांझे को, माहिवाल के
टांग के कबाब खा गई सोनी। टांग के कबाब पूरा भारत गए ये आदमखोर औरतें, उनकी जिक्र कर रहा हूँ, उन औरतों का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ नहीं है आप लोग प्लीज आए तो यहाँ नहीं है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस, क्यों कि उसके कबाब खा गई फिर वफा नहीं। सोनी मटके पे आ जाती थी तैर के, क्या तेज औरत होगी वो जो उसने मटके का वैसवा बनाया हुआ था कबाब। ये औरतों के फन दिखा रहा हूं मैं आपको क्या क्या उन्होंने किया। आगे चले आप, किंग कॉन्ग इतना बड़ा आदमी, गोरिल्ला सॉरी गोरिल्ला, उसको एक उंगली के बराबर लड़की से इश्क हो गया। इतनी टेंशन दी उस लड़की ने कि किंग कॉन्ग अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं, शुगर उसे हो गई बेचारे को, पैराडॉल खाता है अब, सट्टा खेलता है, मैच पे पैसे लगाता है। क्या हशर कर दिया उसका इन औरतों ने, किंग कॉन्ग को टीवी हो गई है, नई तरह ये है। ऐसे ऐसे दरिंदों को औरतों ने टेंशन दे दी है। दरिंदों को बाप और मैं क्या है, किसी ने प्यार किया अब जान निकले। नहीं भाई कॉन्ग, किंग कॉन्ग के बाद कौन करेगा, किंग कॉन्ग के बाद प्यार नहीं होता, फिर सबर हो सकता बस। तो औरतें बहुत प्यार करती हैं, हकीकत बात है, औरतें बहुत टैलेंटेड है। अभी पाकिस्तान में हमारी टीम जीत गई, आपको पता ना क्रिकेट टीम जीती, पता आपको आपको पता ना हमारी वर्ल्ड कप जीती हमारी टीम, कौन सा पता नहीं कौन सा कप जीती है, पता नहीं कोई चाय का कप जीत गया, भारत कोई जीता है औरतों का। और ये औरतें हॉकी भी खेलती है हमारे मुल्क में, खवातीन बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत अच्छी हॉकी खेली इनकी। मैं हॉकी के कमेंट्री करता था कि उसमें मैंने बताया औरतें क्या, अगर औरतों का मैच हो तो इनकी कमेंट्री कैसी होगी, गेंद फरीदा के पास, फरीदा गेंद को लेकर चली, चल पड़ी, चल पड़ी पगली अपने ख्यालों में गुम, ठोकरे खाती हुई लुढ़कती हुई जमाने की हविस भरी नजरों को बर्दाश्त करती हुई डी में पहुंची, डी में पहुंची, डी में पहुंची थी कि उसके पीछे से दूसरी कंबख्त आ गई, गेंद छीनी छीना चपटी, गेंद को लेकर निकली गेंद फरीदा, फरीदा से हमीदा, हमीदा से कौशल, कौशल से जबी, जबी से फिर कौशल, कौशल से फिर जबी, जबी से फिर कौशल, कौशल से फिर जबी। सारी दुनिया ये तमाशा देख रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही है। गेंद फरीदा के बाद फरीदा गेंद को लेकर भागी, बहुत तेज भागी, बहुत उमदा भागी, बहुत अच्छा भागती है, दो दफा घर से भी भाग चुकी है। क्या औरतों ने कहां तरक्की नहीं की। अभी मैं कल आया जिस जहाज में बिलीव करें उन लोगों ने कब कैप्टन साहब ने सुना कि मैं बैठा हूं, तो उन्होंने कहा उनको अंदर भेज दें कॉकपिट में, तुम्हें चला के कहो। अब कॉकपिट में गया तो एक खातून भी, को पायलट जो थी वो खातून थी, बिलीव करें वो बैठी भी थी। मैंने कहा आपने टेक ऑफ किया था जब, जी मैंने कहा बड़ी जल्दी में दिया एकदम ही खड़ा हुआ जहाज उठा दिया, पेट में एक अजीब सा गोला तो फिर गया ही है। हम लोग तो एकदम जमीन छोड़ना है, बड़ा होता है झटका लगा। मैंने कहा आपने एकदम बोला था बड़ी चीज ही सही था, मैंने कहा सही था, मैंने कहा सही था, उतारे की भी आप ही बोले हाँ जी, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे जरा सीट पे दो गद्दे रखवा दीजिए बड़े बड़े ताकि मैं आराम से इजीली वो जंप जो आप करेंगे ना मुझे पता लग गया क्या, तो यूं था तो जाएगा भी यूं ही। तो औरतें जहाज चला रही हैं, अल्लाह कसम कहाँ पहुंच गई हो, तरक्की कर गई, इनसे वैगन चलवाओ कराची वैगन, मैं कहता हूँ ट्रैफिक का झगड़े खत्म हो जाए, कोई उतरेगा ही नहीं, दो दो साल का टिकट लेके बैठेंगे लोग, अकेला बैठेगा और फैमिली के साथ उतरेगा। मैं भाई जरा अमालना में देखता हूँ,
सामान लाने भी तो आए हुए मेरे पास। अच्छा जी, वर्ल्ड कप का किसी ने मुझे कहा है बात, वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है हमारे मुल्क में। इस वक्त पाकिस्तान भी खेल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैच हमने वो किया है, और अल्लाह से दुआ, मेरी बड़ी दुआ है कि सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होना चाहिए। मजा आता है, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जोश आता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनका हाई हो जाता है, इनकी शुगर हाई होती है लो हो जाती है, कुछ लोगों की चांदी हो जाती है, कुछ लोगों की ईद हो जाती है, सत्यवास तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। हमारे प्लेयर भी माशाल्लाह फिट हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्लेयर हमारा, अब देखिए पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का बड़ा प्लेयर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोहसिन खान इंडिया गए एक हीरोइन से शादी करने, रीना राय वो आई शादी की, वापस चली गई, माँ से फोन किया अब क्या राय ये पहले पहली राय ली हमारी। जावेद मेहनत भी आए, उनका भी चक्कर चला इंडिया में, फैंस होती है ना उनकी, और इंडिया की हीरोइंस तो है ही, इतनी प्रीटी, इतनी खूबसूरत है, आप बिलीव करें, इतनी स्मार्ट है, हल्की फुल्की सी, इनका अलग है। वो जो शाहरुख खान साहब हैं वो खुद बेचारा मुझे लगता है वो शूटिंग के बाद स्टिक से चलता होगा, मतलब इतना मुझे लगता है वो इतने स्मार्ट हो गए, वेट बहुत उन्होंने अपना लूज किया है, शुगर करेक्टर लूज नहीं हो उनका, वेट लूज किया उन्होंने, और पतली पतली सी लड़कियां हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में खो जाएं हम। हमारी इंडिया के सारे हीरो मिलके भी उसे फेंक देना ऊपर और नीचे कैच कर लेना, मान जाऊंगा बस। कितने बड़े बड़े बाजू हैं इसके, अपना सलमान खान के सिर्फ शर्ट पहनता है। मैंने उसको मैसेज कराया था, मैंने कहा यार फिल्मों में कमीज भी पहनो खुदा के लिए, फिर ऐसा ना हो हम सिर्फ कमीज ही पहनना शुरू करते हैं। तो हुआ क्या कि लड़कियां स्मार्ट, फिल्में, बात कहां से चल रहा था ये जहन में याद रखे, मुझे थोड़ा सा आपने ये जहन रखना, क्यों मुझे बताया कि आप इमिग्रेशन पे आपने बात करी, अभी इसमें किस बात के ऊपर बात थी यार, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, लाइक यस। तो हमारे जावेद मेहनत भी आए थे इंडिया, उनको भी किसी ने देखा है, कहना पसंद कर लिया था, उन्होंने जाके वहाँ बड़ी तारीफ की थी पाकिस्तान में, देखा कुछ एक जगह मैंने देखा है। आप यकीन करो यार मेरा दिमाग खराब हो गया इसे देख के, मैंने तो बोला मैं यहीं पे ही दफा करो, कौन क्रिकेट खेले खेले, मगर जिसने बोला नहीं यार जो काम करने आए वो तो करना ही पड़ेगा। अब हमारा स्वयं बनी आया तो वो तानिया, तानिया भाभी, सानिया मिर्जा, जो सानिया मलिक हो गई, ये वीना मलिक याद आ गई मुझे। वीना मलिक ने वहाँ पाकिस्तान में मसाज की दुकान खोल ली। मसाज की दुकान, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि आपने इंडिया में क्यों मसाज किया, यहाँ भी करें। यार ये थोड़ा सा कैमरा ऑफ करेंगे प्लीज, यस थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा, क्योंकि हम तो ऐसे प्रोग्राम में जब आते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपके साथ खुल खुला गुफ्तगू करें, तो इसको जरा प्लीज आप में अगर यूट्यूब पे डाल देते लोग तो फिर वो थोड़ा सा हमारी कंपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ हमारी इतनी सी मिलता हसो मत छिछोरे। पहले उनको निंटाता जाऊंगा जो बाहर अच्छा काम कर रहे बैठ के, जो बाहर काम कर रहे हैं उनको निंटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
इस क्राउड में मुझे यकीन है कि हमारे इंडियंस भी बहुत बैठे हैं, हमारे दोस्त जिनका मैं मशहूर हूँ जो मेरे ड्रामे पसंद करते रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।